नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो बनाया है तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, जो कि मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो मैं उसका जो कॉलेज का स्टेटस है ना, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ क्या वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या नहीं, या जैसा कि ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में चला रहे हैं और जो फार्मेसी प्रोग्राम ये चला रहे हैं, क्या इनको AICT और जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, और कैसा है ये कॉलेज, और इस कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी इंस्टीट्यूट को लेके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम इस तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी के बारे में बताऊंगी, वो तीन चीज़ें बेसिकली मैं बताऊंगी कि ये जो कॉलेज है अप्रूव्ड है या नहीं, और इसकी फैकल्टी और जो स्टाफ है अदर स्टाफ, एंड थर्ड वन कि AICT और PCI ने इनको अप्रूवल या एक्सटेंशन दिया है या नहीं। मींस कि कॉलेज तो ओपन है, पर जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें आपको के कॉलेज को एक्सटेंशन रेगुलरली मिल रहा है या नहीं, क्या वो उनके पास वो प्रोग्राम या कोर्स अवेलेबल है, अप्रूव्ड है, जिसमें से वो आपको एडमिशन लेते वक्त आपको बोलते हैं। तो वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि जो तिरुपति कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी है तो वो अप्रूव्ड है या नहीं, अब और उनकी फैकल्टी के बारे में, और जो स्टाफ है अदर स्टाफ उनके बारे में, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। एक्चुअली उन्होंने ही AICT का एक पोर्टल होता है, उसमें फ़िल करते हैं तो AICT जो है उस पर इंफॉर्मेशन डाल देती है और वो पब्लिक रहता है। आप लोग भी जाके डायरेक्टली जो है चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉलेज गई और चेक किया और वो सारी चीज़ें, मैं बस वीडियो बनाने का एक पर्पस है कि क्या वो कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं, कौन कौन से कोर्सेज वो चला रहे हैं उसके बारे में। तो चलिए बताती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी है, यस, ये कॉलेज अप्रूव्ड है AICT और PCI दोनों काउंसिल से, और इन दोनों को ना दोनों ही काउंसिल से इनको मान्यता भी मिली हुई है। तो जो बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, और जो लेना चाहते हैं तो वो बिना किसी बेझिझक यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कॉलेज को कोई मान्यता प्राप्त ना हो, या आपको कुछ पता ना हो कि भाई कॉलेज तो है बट AICT या PCI ने अप्रूवल दिया है कि नहीं। तो यस, तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड है। हाँ, मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे इनका नाम जो है तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी है, लेकिन ये कॉलेज पहले जो था तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से था, बिकॉज़ जो इन्होंने फार्मेसी कोर्स अभी लिया है प्रोग्राम वो अभी रिसेंट में लिया है, इसीलिए जब आप वहाँ पर एडमिशन लेंगे या आपको इनके ब्रोशर वगैरह मिले में भी उसमें तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ही हो, क्योंकि फार्मेसी इन्होंने अभी लिया है इस वजह से। कोई नहीं, वो तो मैं आपको अभी आगे आने वाले उसमें पोर्टल का पूरा दिखाऊंगी कि कैसे मैंने AICT में उनका नाम सर्च किया और किस तरह से उनकी डिटेल आई है, ठीक है, वो मैं आगे बताती हूँ। और अगर आप, जैसे मैं अभी बोल रही थी, अगर आपको जैसे AICT के पोर्टल में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, और वैसे मैं इसका लिंक दे दूँगी नीचे, अगर आपको देखना है कि ये जो आपका तिरुपति ही नहीं और भी जितने भी AICT अप्रूव्ड जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेने की चाह रहे हैं जो आपके नियर बाय हो, तो आप डायरेक्टली खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, AICT की पोर्टल पे जाके यूपी के कॉलेज में सर्च कर सकते हैं तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें ना पूरी डिटेल आ जाएंगी कि कॉलेज के पास
कौन कौन से कोर्सेज़ वो चला रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम उनको अप्रूव्ड हैं, कौन सा लेवल है उनके प्रोग्राम का। लेवल मींस यूजी है, पीजी है या फिर डिप्लोमा है। तो देखिए, मैंने जब AICT का पोर्टल ओपन किया, और जैसे मेरी पिछली वीडियो, अगर आपको प्रोसेस जानना है तो वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक में भी अपनी उस वीडियो का लिंक दे दूँगी। तो मैंने इसमें डाला क्यों, जैसे मैंने बताया, मैंने ईयर डाला फॉर द एकेडमिक ईयर 21 एंड 22, देन स्टेट डाला उत्तर प्रदेश, और लेवल डाला डिप्लोमा। वो डालते ही ये ओपन हो गया। तो देखिए, सबसे पहले उनकी एप्लीकेशन आईडी दिख रही है, नेम दिख रहा है, नेम भी तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ये राइट। जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मेसी मेंशन नहीं है, बिकॉज़ फार्मेसी इन्होंने मे बी बाद में ऑप्ट किया हो इस वजह से। तो और वैसे भी, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें ना, जब मैं आपको इसके आगे कोर्सेज़ की डिटेल दिखाऊंगी अभी आगे, तो उसमें ना फार्मेसी नहीं होगा कोर्सेज़ में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस थे ना, उनको AICT से अप्रूवल लेना कंपलसरी था। फिर बीच में कुछ कोर्ट केस वगैरह हुआ, जिसकी वजह से फार्मेसी अब जो है AICT नहीं देख रहा। नहीं देख रहा मीन्स अब कंपलसरी नहीं है कि AICT से आपको अप्रूवल लेने के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से ही अप्रूवल लेनी होती है फार्मेसी कोर्स ओपन करने के लिए। जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, आपको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट चलाता है तो उसको सिर्फ एक जगह से ही अप्रूवल लेनी है। अदरवाइज़ अगर वो AICT से लेना भी चाहता है तो वो ले सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी। तो इसीलिए जैसे इनके कोर्सेज की डिटेल्स आपको दिख रही है ना, प्रोग्राम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ये 5 प्रोग्राम चला रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड ऑटो, सभी में इनको 60-60 इनटेक्स है। ओनली 30 इनटेक्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 30 इनटेक्स है इनका मैकेनिकल ऑटोमेशन वाले में। तो ये कोर्सेज इसमें जो हैं ये अप्रूव्ड हैं AICT से, जो कि डिप्लोमा लेवल पे ये चला रहे हैं। और ऊपर देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ कोर्स ऑफ तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फर्स्ट में जो इन्होंने दिया था वो उनकी एप्लीकेशन आईडी थी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सभी को एक एप्लीकेशन आईडी दी जाती है जब आप एक कोई कॉलेज ओपन करते हैं, है ना। तो चलिए, ये था इनका पोर्टल AICT से। अब जो मेजर बातें हैं इसकी, वो है कि इट्स अ अप्रूव्ड कॉलेज, और इसके पास तिरुपति कॉलेज के पास दोनों ही काउंसिल की अप्रूवल हैं, AICT एज वेल एज़ PCI, और इनके पास पूरी कंप्लीट फैकल्टी है। इवन जहाँ पर मैंने कोर्सेज का ओपन कर किया था, उसी के साथ में ही एक आइकन था फैकल्टी का भी, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें उसमें शो कर रहा था कि इनके पास कंप्लीट फैकल्टी भी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगी कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने रिसेंट में ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनका जो है न्यूज़ में भी आया था, हेडलाइंस आई थी, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज़ ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी जैसे लखनऊ में है, वैसे तो UP में कई सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो ये कॉलेज जिनके भी आसपास पड़ता है और जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ ये AICT अप्रूव्ड है और फार्मेसी काउंसिल से भी अप्रूव्ड है। तो देखिए, मैं हमेशा से ही बोलते आई हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट की को अगर चलाना है, या किसी भी इंस्टीट्यूट का आपने ये देखना है कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है, तो उसकी फैकल्टी से ही पता चलता है। अगर फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी पूरी है, तो नो डाउट वहाँ के स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे और वो इंस्टीट्यूट ग्रो ही करेगा, है ना। तो हमेशा जब भी एडमिशन लें, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें, वहाँ की जो फैकल्टी है वो एज़ पर AICT नॉर्म्स हो और फुलफ़िल कर रही हो AICT की जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली कहीं पता चले स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा और फैकल्टी है एक ही, तो इसीलिए शुरू से ही मैं कहती आई हूँ कि जब भी एडमिशन लें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, फैकल्टी है या नहीं। जैसे मैंने तिरुपति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश का जब लिंक से ओपन किया AICT के पोर्टल से, तो वहाँ पे फैकल्टी भी पूरी थी और उनको अप्रूवल भी मिला हुआ था, इसीलिए
उस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आप इजी ले सकते हैं एडमिशन वहाँ पर। बाकी देखिए, पढ़ाई तो आपने ही करनी है, तो कोई भी आपका क्वेरी होती है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी ऑल द बेस्ट, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।